सीमा को भारतीय नागरिकता असमंजस की स्थिति पाकिस्तान सरकार कर रही है अड़चन। पाकिस्तान से भारत आई सीमा सचिन को भारतीय नागरिकता को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सीमा हैदर को अभी तक भारतीय नागरिकता नहीं मिली है। इस बात को लेकर सीमा हैदर के अधिवक्ता डॉक्टर ए पी सिंह द्वारा एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सीमा की नागरिकता में लगातार आ रही दिक्कतों को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में याचिका दायर करने की बात कही गई है। दरअसल पाकिस्तान में रहने वाली सीमा गुलाम हैदर का पबजी गेम के द्वारा भारत के सचिन से जान पहचान हुई, जिसके बाद दोनों की यह जान पहचान प्यार मोहब्बत तक पहुंच गई, जिसके बाद सीमा गुलाम हैदर अपने चार बच्चों को लेकर 23 मई 2023 को नेपाल होते हुए अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा आ गई। रबुपुरा में सचिन के घर पर आने के बाद पुलिस को जानकारी होने पर पुलिस ने सीमा हैदर सहित सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जहाँ से जमानत मिलने के बाद सीमा हैदर के घर रबुपुरा में रह रही, लेकिन भारतीय नागरिकता अभी तक नहीं मिल सकी है। सीमा हैदर रबुपुरा में सचिन के घर में उसकी पत्नी के रूप में रह रही, लेकिन सीमा को अभी तक भारतीय नागरिकता नहीं मिली। इस बात को लेकर एडवोकेट ए पी सिंह ने कहा कि हमें सीमा की नागरिकता के लिए महामहिम राष्ट्रपति के पास अपील दायर कर दी गई थी। राष्ट्रपति कार्यालय के पास अपील दायर की गई थी कि राष्ट्रपति कार्यालय से अपील गृह मंत्रालय भेजी गई। ए पी सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। कई बार रिमांडर भेजने के बाद भी पाकिस्तान सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नहीं। ए पी सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार लगातार मामले में अड़चन डाल रही है। उनका कहना है कि सीमा हैदर का पूर्व पति गुलाम हैदर लगातार वहाँ पर शिकायत कर रहा है, जिसको लेकर अभी तक वेरिफिकेशन नहीं भेजी गई है। लेकिन किसी भी वेरिफिकेशन के लिए दो देशों के बीच समझौता होता है और इसमें 6 महीने का समय नियत किया गया, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की सरकार ने इस पर कोई जानकारी नहीं दी है, जिसको लेकर अब वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में याचिका दायर करेंगे कि दोनों देशों के बीच समझौता खराब ना हो और पाकिस्तान की सरकार सीमा के मामले में जानकारी मुहैया करा सके। इस मामले पर सीमा ने कहा कि वह पाकिस्तान से अपनी मर्जी से भारत में आई और इसके पूर्व पति गुलाम हैदर बिना मतलब के मामले में अड़चन पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे साथ रहेंगे। गुलाम अहमद मुझे गर्भवती करके छोड़ कर चले गए थे, उनकी और भी पत्नियां और बच्चे हैं, वह उन्हीं को संभालते। गुलाम हैदर हम को छोड़कर सऊदी चले गए थे, लेकिन आज जब उनकी मम्मी बीमार हुई तो वह सऊदी से वापस वहां पर आ गए हैं। उन्होंने उस समय अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाया। सीमा ने कहा कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब से उनको अच्छी खासी इनकम हो रही है, इंस्टाग्राम से भी ज़्यादा उनका यूट्यूब से होती है। वहीं इंस्टाग्राम पर गंदे मैसेज करने वालों को उन्होंने कहा कि वह लोग पाकिस्तान से हैं, उनको सच्चाई की जानकारी नहीं है, एक बार उनको सच्चाई की जानकारी कर लेनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि सचिन के साथ उनके बच्चे भी काफ़ी खुश हैं और वह सदैव वहीं पर रहेंगे। भारत सरकार के द्वारा उनको नागरिकता जरूर मिल जाएगी, उन्हें उनका पूरा विश्वास है। वहीं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग मुझे ज़्यादा परेशान ना करें, वह हिंदू धर्म है और हिंदुस्तान से परेशान है। तो क्या होगा सीमा का, अपना कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।